नमस्कार। आज मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, भगवान कहाँ है। अगर किसी मंदिर में कोई कथावाचक कथा करने आए और किसी वजह से आंधी तूफान या बारिश की वजह से संगत ना आ जाए तो क्या वो कथा करेगा? शायद नहीं करेगा। संगत होगी तो कथा करेगा। मंदिर भी है, सत्संग के लिए उसके पास प्रवचन भी हैं, परंतु संगत नहीं है तो वो कथा नहीं करेगा। इसका मतलब भगवान संगत में है, ना तो भजन कीर्तन में है, ना कथा कीर्तन में है, ना मंदिर की मूर्तियों, ना मंदिर की बिल्डिंग में है। ये मेरे विचार हैं, आप भी सोचिए। भगवान संगत में है। संगत कौन है? भगवान की संतान। मतलब कि संगत में भगवान का अंश विराजमान है, इसलिए भगवान संगत में विराजमान है। इसलिए अगर भगवान को ढूंढना है तो संगत में ढूंढो। सत्संग से संगत जुड़ती है, सत्संग संगत को जोड़ने का साधन है, और मंदिर उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक स्थान है। भगवान तो संगत में ही हुआ, बाकी जो चीज़ें हैं उनको उस भगवान से मिलने की राह बताते हैं, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, परंतु भगवान विराजमान संगत में ही है। ऐसा मेरा विचार है, आप सोचो। फिर इस पर विचार करके अगर आपको अच्छा लगे तो संगत को जोड़ो, संगत में जुड़ो, शायद आपको भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जय श्री राम।